हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आबयू के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। इसके लिए चलते हैं, चलें देखते हैं कुछ रूल जो आपके सामने हैं। कुछ रूल को समझना है तब जाकर के इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे। वह रूल किससे संबंधित है वो भी जान लीजिए। सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड बात आज हम करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक को सममित कहते हैं और विषम सममित आव्यूह को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। सममित मीन्स सिमेट्रिक और विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों एक प्रकार का मैट्रिक्स है। सममित आव्यूह की जो प्रॉपर्टी होती है वह ए इक्वल टू ए डैश होता है। ए डैश भी लिख सकते हैं, ए टी भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी उसी इनिशियल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाए तो समझ लीजिए कि वह गिवन मैट्रिक्स जो होगा वह सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया। अगर मैट्रिक्स ए लेंगे तो एटी हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि इक्वल शो करेगा। अगर इनिशियल मैट्रिक्स बी लेते हैं सपोज कीजिए तो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये बी के बी डैश के रूप में या बी टी के रूप में लेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स हम सी ले लेते हैं तो उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सी टी या सी डैश हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे में अगर इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि वह गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। अब बात आ रही है सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह के विषय में। हम बता दें कि यह किस प्रकार से निर्धारित होता है। विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निगेटिव साइन करने से वह इनिशियल स्टेज के मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा व्यवहार कर रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू माइनस ए टी या ए डैश लिख सकते हैं या ए डैश या ए टी इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक। इतना समझ लीजिएगा, यदि इनिशियल मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं सपोज कीजिए जो गिवन क्वेश्चन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं होगा, तब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो बी टी इक्वल टू माइनस बी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि वह गिवन मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार सी के लिए सी डैश इक्वल टू माइनस सी, ये सब बातें किसके लिए निर्धारित हो रही है, विषम सममित आव्यूह के लिए निर्धारित हो रही है। अब हम आगे कुछ रूल पर विचार करेंगे, थ्योरम पर विचार करेंगे, उसको भी देख लीजिए। इसमें कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एलिमेंट्स ए प्लस ए डैश इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल करके और सम कर दें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा और उसको साइन चेंज करके घटा लेंगे तब हमें वह जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम इस ए प्लस ए डैश के विषय में हम जान लें कि यह किस प्रकार से निर्धारित होता है। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स बी है ए प्लस ए डैश, ए डैश ए टी के जैसा व्यवहार कर रहा है यहाँ पर, तो बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी टी या बी डैश यानी कि इसका मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज कर लें तो बराबर के आगे भी ट्रांसपोज दोनों में हो जाएगा, प्लस के इधर वाले में और प्लस के इधर वाले में, तो ए का ट्रांसपोज ए डैश या ए टी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो उसका भी ट्रांसपोज हम कर लें तो डबल ट्रांसपोज में इनिशियल स्टेज में वह मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा कि बी डैश या बी टी इक्वल टू फिर से ए डैश प्लस ए मिल गया। अंतर क्या हुआ, इसमें ए डैश बाद में था या ए टी बाद में था, इसमें ए डैश या ए टी पहले प्राप्त हो गया, लेकिन ये प्लस के इधर उधर होने से अर्थ थोड़ा बदलता है, बदलता तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि b का ट्रांसपोज इक्वल टू फिर से हमें b मिल गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए a प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लो, चाहे ए डैश के जगह पर ए टी भी कर सकते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो फिर से इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि a प्लस ए डैश को यदि हम b मान लें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो फिर से b प्राप्त हो जाए, तो समझ लो कि यहाँ पर a प्लस ए डैश या a प्लस ए टी वह
सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर ए माइनस ए डैश को ये सी मान लें और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, देखिए हमें क्या मिलता है, इसका ट्रांसपोज सी डैश हो गया, ए का ट्रांसपोज ए डैश हो गया, और ए डैश का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो फिर इनिशियल स्टेज में मैट्रिक्स कैपिटल ए मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश को हम क्या माने हैं, शुरुआती दौर में सी माने हैं, देख लीजिए। तो माइनस सी प्राप्त हो गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सी डैश इक्वल टू माइनस सी। तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी ये किस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, विषम सममित आव्यूह को डिफाइन कर रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए प्लस ए डैश हमें फाइंड आउट करना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, और विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक। अब इसके बाद में आपके सामने आ रहा है थ्योरम नंबर टू, इज गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर सम का मतलब जोड़ने की बात कर रहा है, किसको किसको जोड़ने की बात कर रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को हम सम कर दें, जोड़ दें, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, ए को 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस ए हम लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए, इतने ए प्लस ए टू है, टू से टू कट जाएगा, ए मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट करके एक में प्लस ए जोड़ दें और दूसरे में माइनस ए कर दें, डैश करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इसमें से इस प्लस के द्वारा दोनों को अलग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस सेकेंड स्टेज क्या मिल जाएगा, 1/2 ए माइनस ए डैश मिल जाएगा। तो इसमें ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो सेकंड दिखाई दे रहा है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक। क्यों होगा इसके विषय में भी हम बता दें, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश माइ प्लस ये समझ लीजिएगा ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 के द्वारा इसको और इसको दोनों को अलग कर दो, तो ये दोनों के दोनों अब अलग हो गया 1/2 के द्वारा। तो इसमें पहले वाले स्टेज को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी कह दे रहे हैं, और दूसरे वाले स्टेप को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी कर देंगे, ठीक। तो बी को हम कहेंगे सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी वाले को कहेंगे यानी कि 1/2 ए माइनस ए डैश को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो दोनों इसीलिए लिख दिए हैं कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जरा एक बात बताइए, सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, 1/2 ए प्लस ए डैश है यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर इसी बी का ट्रांसपोज कर लें तो देखिए क्या मिलने वाला है, 1/2 तो मिलेगा ही, तो ए का ट्रांसपोज ये चीज़ चेक कर लीजिए, 80 मिल गया ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी टी हो गया, तो 1/2 ले लिए, ए का ट्रांसपोज 80 हो गया, प्लस किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज कर लें क्योंकि ये ट्रांसपोज तो हो ही रहा है, तो वह इनिशियल स्टेज में ए में पहुँच जाता है। तो वन ये फिर से देखिए, यही तो बी है, तो बी टी इक्वल टू बी या बी डैश इक्वल टू बी मिल गया। तो यही कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, वी मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर इसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें मतलब क्या हुआ, ये डैश कर दें, तो ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिला, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ये चेक कर लीजिए ए डैश या 80 हो जाएगा, माइनस जरा चेक करके देख लीजिए, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दें, वह इनिशियल स्टेज में पहुंच जाता है। अगर इसमें से एक माइनस साइन को हम बाहर निकाल लें तो सी डैश या सी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश कह लीजिए या ए माइनस 80 कह लीजिए। तो ए यहाँ पर 1/2 ए माइनस 80 ये क्या चीज़ है, 1/2 ए माइनस 80 सी ही तो है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सी टी इक्वल टू या सी डैश इक्वल टू माइनस सी। तो इसी को हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से
आगे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात पहले जान लीजिए, इसके पहले के क्वेश्चन कहाँ पर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मौजूद है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में मौजूद है। देखिए सिंपल प्रोसेस है, क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सो दैट द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसके पहले हम कंडीशन बता चुके हैं। क्या कंडीशन बताए हैं कि कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन हो तो उसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनिशियल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे कि वह मैट्रिक्स कैपिटल ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये क्या है, यहाँ पर आर वन है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना। तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये आर वन का हम सी वन में वैल्यू लिख दिए हैं। जैसे मिलाकर के देखिए, 1 - 1 - 5, 1 - 1 - 5, आर टू में है -1 - 2 - 1, तो सी टू में मिल गया -1 - 2 - 1, आर थ्री में है 5 - 3, 5 - 1 और 3, यहाँ पर भी सी थ्री में मिल गया 5 - 1 और 3। इस प्रकार से अब कंपेयर करके देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, ये कि 1 से 1 को रिलेट कीजिए, -1 से -1 को रिलेट कीजिए, 5 से 5 को देखिए, यानी कि उसी पोजीशन पर किसी भी एलिमेंट को आप देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट उसी पोजीशन पर इक्वल वैल्यू लिए हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, हेंस कैपिटल ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, सो दैट द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पहले ये बात की जानकारी होनी चाहिए, या है भी जानकारी, क्योंकि अभी तो हम बताए हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होता है। जरा फिर से दोबारा छोटे लेवल पर देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए आपको गिवन हो तब हम क्या करते हैं, उसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो इनिशियल मैट्रिक्स होता है उसका निगेटिव साइन लिया हुआ मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो हम कह देंगे कि गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पर कैपिटल ए जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह है। ठीक, बस हम इसी में इतना ही प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। चलिए इसको प्रूव करने की जहाँ तक बात है, तो इस ए से यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है ना उसका सीधे ट्रांसपोज मैट्रिक्स एटी फाइंड आउट कर लें। तो इसमें का जो आर वन है वह सी वन बन गया। ठीक, मिला करके देख लीजिए, 1 - 0 - 1 - 1, 0 - 1 - 1, इधर का आर टू देख लीजिए -1 - 0 - 1, अब सी टू में मिल रहा है -1 - 0 - 1, इसके आर थ्री में दिखाई दे रहा है 1 - 1 - 0, अब वही चीज़ सी थ्री में मिल गया 1 - 1 और 0। इन सभी में से निगेटिव कॉमन कर लीजिए, ठीक, क्योंकि निगेटिव की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो जब निगेटिव कॉमन करेंगे तो ये एक बात याद कर लीजिए, जो 1 होगा वह -1 हो जाएगा, और जो -1 होगा वह 1 हो जाएगा, और निगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा। इतनी तो बात समझ आ गई। इस निगेटिव के कॉमन होने से जो -1 है वह 1 हो जाएगा, जो 1 है वह -1 हो जाएगा। इस तरह से कंपेयर करके देख लीजिए, ये साइन चेंज करके हमने वैल्यू लिख दिया। और जो ये निगेटिव के अतिरिक्त जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, वो आपस में इक्वल हो गया। तो इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं यह -a हमें मिल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया। वही चीज़ हमने लिखा है, a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू -a। यही तो कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो यही हमें प्रूव भी करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 - 5 - 6 - 7, वी हैव टू वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए प्लस ए डैश या ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम ए प्लस ए टी को बी मान लें, सपोज कीजिए ए प्लस ए टी को क्या मान लें हम, अगर बी मान लें तो उसका ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज करके हमें क्या मिल जाएगा, बी टी। और यदि बी टी बी के बराबर हमें मिल जाए तो यही कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, यही हम काम करने जा रहे हैं। तो ए इज गिवन, इसमें ये वैल्यू आपको आर वन दिख रहा है, यहाँ पर उसी पोजीशन में ए की वैल्यू ले लिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 1 - 5
जो R1 में दिखाई दे रहा है वह C1 में यहाँ पर दिखाई देने लगा। R2 6-7 है और इस प्रकार C2 मिल गया 6-7। अब हम क्या करेंगे, A+AT फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये वैल्यू A है, इसमें ये वैल्यू आपका AT है, तो उसी पोजीशन पर वैल्यू को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे जरा वह भी देख लीजिए। A+AT की बात कर रहा है यहाँ पर, 1+1 ये हो गया 2, 5+6 ये हो गया आपका 11। फिर से आगे देख लीजिए, उसी पोजीशन पर 6+5 हो गया 11। फिर से उसके आगे देख लीजिए, 7+7 हो गया आपका यहाँ पर 14। तो A+AT को हम यहाँ पर B मान ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उसी A+AT का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक, ट्रांसपोज करके देखिए क्या हमें मिलता है, उसको हम सही से लिखने की कोशिश करेंगे। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये R1 है 2-11 और वही चीज़ हम ट्रांसपोज के केस में C1 में लिख दिए। फिर से इधर के R2 में 11-14 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 11-14 ये C2 में। अब हम क्या देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू मिला A+AT का ट्रांसपोज, वह B का T मिला। क्यों B का T मिला, क्योंकि B यही तो था और उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया है। ठीक, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें, तो हमें पता चल गया कि उसी पोजीशन पर टोटल एलिमेंट्स इक्वल हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू BT, यानी कि A+AT का जो ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ये वाला ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया A+AT। ठीक, यानी कि B का ट्रांसपोज इक्वल टू B, हेंस A+A' इज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसी बात को तो सॉल्व करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में, इसके लिए A इज गिवन मैट्रिक्स, इसके लिए अब आगे हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1-5 R1 में है, तो 1-5 यहाँ पर C1 में लिख लेते हैं। R2 में 6-7 है, तो C2 में हम लिख ले रहे हैं 6 और यह हो गया आपका 7। ठीक, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है। हमें वेरीफाई करना है A-A' इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A-A' फाइंड आउट करेंगे और उसका होल डैश करेंगे और देखेंगे कि माइनस वैल्यू आ रहा है कि नहीं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए A-A', तो A' को AT भी कहते हैं। चलिए A-AT इक्वल टू डायरेक्ट उसी पोजीशन पर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, जरा चेक लीजिए, 1 और -1 ये वैल्यू हो गया 0। 5-6 इक्वल टू -1 मिला, 6-5 यहाँ पर 1 मिला, 7-7 ये वैल्यू मिला आपका 0। तो A-AT आपका यह सी वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट कर लिया। तो जो भी मैट्रिक्स A-AT आपको दिखाई दे रहा है, अब उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है ना, तो उसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, 1-1 है R1 में, तो यह C1 में लिख लीजिए 1-1। ठीक, फिर से R2 में है 1-0, तो C2 में लिख लीजिए ये 1 और 0। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस साइन को जब हम कॉमन कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 1 है तो फिर से यहाँ पर -1 दिखाई दे रहा है, -1 है तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और 0 है तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वह क्या है, जरा वो भी देखना है। देख लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 1-1 ये 0 होता है, और यहाँ पर R1 का C1 में लिखेंगे तो 1-1 है, 0-1 है, तो यहाँ पर भी 0 और -1 ही तो लिखेंगे। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या मिला, ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर 0 साइन चेंज करने पर 0 ही होगा, यहाँ पर ये 0 ही होगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 का साइन चेंज करने पर -1 का साइन चेंज करने पर 1 मिला, और वैल्यू क्या मिला हमें, 0 का साइन चेंज करने पर 0 मिला। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको जरा चेक कर लीजिए, यह जो सी दिखाई दे रहा है ये वाला पूरा का पूरा इक्वल है, लेकिन निगेटिव साइन कॉमन आ चुका है, तो उसी निगेटिव साइन को यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया, और इस मैट्रिक्स को क्योंकि सी कहते हैं तो वही हमने इस जगह पर सी लिख दिया। तो हमने क्या देख लिया, C' इक्वल टू -C, यही तो कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, C' इक्वल टू -C या B' इक्वल टू -B या A' इक्वल टू -A, ये चीज़ होता है। तो हमें जो फाइंड आउट करना था फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर कह रहा था A-A' के लिए, तो यहाँ पर
ए माइनस ए डैश या ए माइनस ए टी का जो हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना, वह ट्रांसपोज ये क्या हो गया, माइनस में ए माइनस ए टी फाइंड आउट हो चुका है, इसी को हमें वेरीफाई करना था, सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हेंस ए माइनस ए डैश और ए माइनस ए टी इज अ स्क्वायर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। याद रखिएगा, कहीं पर भी ए डैश लिखा हो तो उसका मतलब ही होता है ए टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स इन दोनों में से किसी भी प्रकार से लिखें, दोनों सही होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ए मैट्रिक्स इज गिवन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू जैसा है वैसा, एकदम सेम टू सेम नोट कर चुके हैं क्योंकि गिवन है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है। लेकिन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडेस या एटी फाइंड आउट करने के लिए आर वन को सी वन में, आर टू को सी टू में, आर थ्री के को सी थ्री में लिख लेना है। देखिए, जीरो वन जीरो ए बी, तो यहाँ पर भी लिख दिया जीरो ए और बी। आर टू में है माइनस ए जीरो सी, तो सी टू में लिख लीजिए माइनस ए जीरो और सी। आर थ्री में है माइनस बी माइनस सी जीरो, तो सी थ्री में लिख लीजिए माइनस बी माइनस सी और जीरो। तो ये ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो गया। हमें यहाँ पर फाइंड करना था 1/2 ए प्लस ए डैश फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में 1/2 ए प्लस ए डैश, तो ए हमें दिखाई दे रहा है, ए डैश हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसी पोजीशन पर एलिमेंट को क्या करना है, प्लस यानी कि ऐड कर देना है। तो चेक कर लीजिए, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ये चीज़ चेक कर लीजिए, ए माइनस ए जीरो हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, बी माइनस बी इक्वल टू जीरो हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, माइनस ए प्लस ए ये जीरो हो गया। उसी पोजीशन पर एलिमेंट को हम जोड़ रहे हैं, जीरो प्लस जीरो ये हो गया जीरो। फिर से चेक करें, सी माइनस सी हो गया जीरो। आगे बढ़ते हैं, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक, तो 1/2 ये जीरो मैट्रिक्स है, तो जैसा कि आपको पता है 1/2 में अगर जीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होगा तो जीरो ना, कोई चेंजमेंट तो होना नहीं है, तो 1/2 अब हटा दीजिए और जैसा जीरो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है वैसा नोट कर लीजिए। वैसे भी 1/2 का ये वाले 1/2 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लोगे तो जीरो ही तो हो जाएगा, तभी हम लिख ले रहे हैं जीरो 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 जीरो। यह 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल गया, यही तो है 1/2 ए प्लस ए डैश जो हमें फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से यह आपका आंसर हो गया। अब आपको इसके सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ए हमें पता है, ए डैश हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अभी हमने जोड़े थे अब कि हम घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ए इज गिवन मैट्रिक्स, ए डैश हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके लिखेंगे। देखिए, जीरो है तो ये जीरो, ए है तो ए लिख लीजिए, बी है तो यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर माइनस ए है तो माइनस ए लिख लीजिए, जीरो है तो ये जीरो, और इसके बाद में यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी लिख दीजिए, माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस बी लिख दिए, माइनस सी है तो माइनस सी लिख दिए, जीरो है तो ये जीरो लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जीरो माइनस जीरो ये हो गया आपका वैल्यू जीरो, ए माइनस माइनस प्लस हो गया टू ए हो जाएगा, बी माइनस बी एक और मिल गया तो टू भी मिला, माइनस ए और फिर से माइनस ए मिल जाएगा तो माइनस टू ए मिला, जीरो माइनस जीरो ये जीरो मिला, सी माइनस एक और माइनस मिल गया प्लस हो जाएगा प्लस टू सी मिला, माइनस बी तो हो गया माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी, जीरो माइनस जीरो ये आपका जीरो। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। इसके लिए हम जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसमें 1/2 इंटू कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से सभी एलिमेंट में डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा, अब हम वह लिखने जा रहे हैं, जीरो है तो 0/2 जीरो होगा, 2a/2 ये a मिला, 2b/2 ये आपको b मिल गया, -2a/2 ये मिला माइनस ए, 0/2 ये जीरो मिला, 2c/2 ये c मिला, -2b/2
तो माइनस बी मिला, माइनस टू सी बाई टू तो माइनस सी मिला, जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो मिला। तो अब जरा कंपेयर करके देख लीजिए कि यह जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसमें से हम ये वैल्यू कॉमन, ये जरा मिला करके कंपेयर करके देख लीजिए, जरा ये इक्वल आ गया, ये मिला करके देखिए, ध्यान से देखिएगा, जीरो है तो उसी पोजीशन पर जीरो, ए है तो उसी पोजीशन पर ए, बी है तो उसी पोजीशन पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाले सभी मैट्रिक्स का एलिमेंट उसी पोजीशन पर इक्वल है। इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं ये हाफ ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए, यही हमें आंसर फाइंड आउट करना था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, यही वाला क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये सम करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करके, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स जो 3, 5, 1, -1 गिवन है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले तो यह समझ लीजिए 2×2 ऑर्डर का, उसको हम लेट कर ले रहे हैं मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये देख लीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वह गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, और यहाँ पर ए हम लेट कर ले रहे हैं जो गिवन मैट्रिक्स है। तो पहले वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि हम बी मान लें और दूसरे वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सी मान लें, तो बी प्लस सी इक्वल टू ए हम फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर बी इक्वल टू क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए डैश होगा, और सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 1/2 ए माइनस ए डैश। इनको सम करोगे तो वैसे भी ए मिल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 कॉमन करो तो 1/2 मिल जाता है, दोनों में से 1/2 कॉमन करके अब ऐड कर दीजिए तो हमें मिला, जरा चेक करके देख लीजिए, ये ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। इसको सॉल्व करोगे तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया और ए प्लस ए 2a होता है, तो 1/2 इंटू ये हो गया आपका 2a इक्वल टू ए ही तो मिल गया। तो इसमें से पहले वाले को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स b कहेंगे और दूसरे वाले को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम c कहेंगे, और इसी को सम करके a हम फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन मैट्रिक्स गिवन होगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। इसके लिए गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, 5, 1, -1। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3, 5, 1, -1 लिख लीजिए, ये आर वन है तो सी वन में लिखना है, ये 3, 5 और इसके लिए नीचे चलना है तो 1, -1 मिला, तो ए का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश उसी पोजिशन पर एलिमेंट को जोड़ देंगे, तो ये चेक कर लीजिए 3 + 3 इक्वल टू ये हो गया 6, ये जोड़ना है ना। फिर से आगे बढ़ाइए, 5 + 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 6। फिर से आगे बढ़ते हैं, 1 + 5 इक्वल टू क्या हो गया 6। फिर से आगे देख लीजिए, -1 - 1 ये हो गया आपका -2। अब 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/2 ए प्लस ए डैश तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, ठीक। तो ए प्लस यानी कि 1/2 मीन्स इन सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6/2 ये हो गया 3, 6/2 ये हो गया 3, 6/2 ये हो गया 3, -2/2 हो गया आपका -1। तो ये चीज़ हो गया, ये बी मान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए डैश होता ही है, ये चीज़ गांठ मान लीजिएगा। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करना होगा और फिर 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी को हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ए माइनस ए डैश को हम जरा चेक करके देखते हैं, जरा बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर चेक कर लीजिए, 3 - 3 हो गया आपका 0, 5 - 1 यहाँ पर मिल गया आपका 4, 1 - 5 तो हो जाएगा -4, -1 और यहाँ पर साइन चेंज करोगे +1 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। तो अब क्या करोगे, 1/2 का मतलब 2 से सभी एलिमेंट में डिवीजन कर लेना है, तो डिवीजन करोगे तो क्या मिला, जरा वो भी देख लो क्या मिलने वाला है, 0/2 0, 4/2 ये आपका 2 हो गया, -4
बाई टू तो ये माइनस टू मिला, जीरो बाई टू ये हो गया जीरो। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी एक अलग नाम से हम अटेंड कर ले रहे हैं, लिखा तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब चूंकि हम बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वन बाई टू ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर चुके हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सी है वह वन बाई टू ए माइनस ए डैश हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बी से डिफाइन करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सी से डिफाइन कर लेते हैं। जो बी और सी हम फाइंड आउट किए हैं उसको हम लिख लेते हैं, जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से वैल्यू को नीचे तक पहुंचाना है। थ्री 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 माइनस वन ये बी हो गया, तो बी के नीचे लिख लो थ्री 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 और माइनस वन। अब जरा सी तो आपको दिखाई दे ही रहा है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सी का ये एलिमेंट क्या है, जीरो टू माइनस टू वन, जीरो टू माइनस टू और ये वैल्यू जीरो, यहाँ पर ये जीरो हो गया, जीरो है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पर जीरो लिख दिए। अब क्या करेंगे, बी प्लस सी यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स ए से अलग अलग फाइंड आउट कर लिए थे उसको आप जोड़ देंगे। तो देखिए थ्री प्लस जीरो ये आपका मिल गया थ्री, फिर से आगे बढ़ते हैं थ्री प्लस टू ये हो गया आपका फाइव, आगे बढ़ते हैं ये थ्री माइनस टू ये मिल गया वन, और फिर से एट लास्ट माइनस वन प्लस जीरो हो गया यहाँ पर माइनस वन। यह मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स है, ये कहाँ पर जरा क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन में गिवन था मैट्रिक्स ए इक्वल टू थ्री फाइव वन माइनस वन, और वही चीज़ मिल गया थ्री फाइव वन माइनस वन, मैट्रिक्स ए मिल गया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स गिवन था उसको ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के पदों में हमने लिख भी लिए और जोड़ रहे हैं, तो हमें गिवन मैट्रिक्स ए फाइंड हो जा रहा है, यही हमें हैंस प्रूव करना था और सम करके वैल्यू दिखाना भी था, दिखा भी दिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उसी प्रोसेस को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक, तो इसमें जरा देख लीजिए, ये मैट्रिक्स ए इज गिवन, तो इसमें ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर है। ठीक, तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम जरा लिख लेते हैं, 6 − 2 − और 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं C2 के केस में, R1 का C1, तो 6 ये −2 और ये वैल्यू हो गया यहाँ पर 2। फिर से आगे देखते हैं −2 ये वैल्यू हो गया 3 और ये वैल्यू हो गया −1। फिर से ये R3 का C3 में ये वैल्यू देख लीजिए ध्यान से 2 और ये वैल्यू −1 और ये वैल्यू हो गया आपका 3। तो R1 का C1 में, R2 का C2 में, R3 का C3 में एलिमेंट हमने लिख लिया, वह भी ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 × 3 का मिल गया हमें। ए और जब ए डैश हमें दिखाई देने लगा तो उसी पोजीशन पर ए के और ए डैश के एलिमेंट को हम सम कर देंगे, जोड़ दें, तो क्या मिला उसी पोजीशन पर 6 + 6 ये हो गया आपका, ये हो गया 12। ठीक, अब इसके बाद में देख लीजिए जरा 2 ये −2 और −2 ये हो गया आपका −4। फिर से आगे देख लीजिए 2 + 2 हो गया आपका 4। फिर से आगे −2 − 2 − 4 मिला, ये देख लीजिए 3 + 3 ये 6 मिला, ये चीज़ें कर लीजिए −1 − 1 − 2 मिला, 2 + 2 ये आपका 4 मिला, ये चीज़ें कर लीजिए −1 − 1 − 2 मिला। फिर से आगे देख लीजिए 3 + 3 ये वैल्यू मिल गया 6, यह भी ऑर्डर 3 × 3 का मिल गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 1/2 a + a' यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी एलिमेंट आपको ए प्लस ए डैश में इसमें दिखाई दे रहा है उसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 का डिवीजन 2 से करोगे तो 6 मिला, −4/2 − 2 − 4/2 − 2 − 4/2 − 2 = 6/2 ये चीज़ दिखाई दे रहा है, सब कुछ तो दिखाई देने लगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हम क्या बताए थे 1/2 a − a' तक पहुंचना है, इसी को तो हम कहते हैं मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है गिवन मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं और अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलने के लिए पहले a − a' को हम चेक करना चाहते हैं, जरा ध्यान से देख करके काम करना है। ये 6 − 6 ये वैल्यू मिला आपका 0, −2 और साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा, ये वैल्यू 0, ये 2 और −2
इक्वल टू ये जीरो, माइनस टू साइन चेंज होकर के प्लस टू हो जाएगा ये जीरो, थ्री और यहाँ पर माइनस थ्री साइन चेंज होकर के मिलेगा जीरो। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सभी एलिमेंट जीरो मिल गया। ठीक, लास्ट में देख लीजिए थ्री माइनस थ्री साइन चेंज करके वो भी जीरो हो गया, तो ए माइनस ए डैश मिल गया। तो वन बाई टू ए माइनस ए डैश इक्वल टू वन बाई टू, यही जीरो मैट्रिक्स, और जीरो में ये जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा आपका ये जीरो मैट्रिक्स। तो वन बाई टू ए माइनस ए डैश इक्वल टू सी मान ले रहे हैं वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस एस एम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स विषम सममित अव्यूह हमें मिल गया, जिसमें सममित अव्यूह को यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बी मानते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सी मानते हैं। तो बी प्लस सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी ऊपर के वैल्यू हम ये बता चुके हैं, ऊपर से हम नोट करके ये लिख दिए और सी आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अब ये जीरो मैट्रिक्स में इस वैल्यू को ऐड करोगे तो वही तो हमें एलिमेंट मिल जाएगा ए, जो कि गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पर। ठीक, जरा कंपेयर करके देख लीजिए यह मैट्रिक्स ए क्या क्वेश्चन में गिवन था, जरा कंपेयर कर दे, सिक्स माइनस टू टू, ये जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए में वही चीज़ यहाँ पर मिल भी रहा है, वही चीज़ मिल रहा है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगा मैट्रिक्स ए वह गिवन मैट्रिक्स होगा। अब आपको देखना है इसी क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन और सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ए डैश, तो 3 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये चीज़ चेक कर लीजिए, पहले तो ये चीज़ से आर वन का सी वन में लिखना होता है ना, 3 3 -1, तो ऊपर से नीचे चलो 3 3 -1, -2 -1, तो यहाँ पर -2 -2 और ये मिल गया 1, फिर से -4 -5 2, तो यहाँ पर मिला -4, ये -5 और ये हो गया आपका 2। ये आर थ्री का सी थ्री में हम वैल्यू लिख चुके हैं। अब ए प्लस ए डैश वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 + 3 = 6, 3 + -2, तो ये चीज़ चेक कर लीजिए, ये 3 - 2 ये वैल्यू मिल गया यहाँ पर 1। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए -1 और ये -4 ये वैल्यू मिल गया -5। ठीक, अब आगे -2 में 3 जोड़ दोगे तो ये क्या वैल्यू मिल जाएगा 1, -2 और -2 ये वैल्यू हो गया -4, 1 और -5 हो जाएगा -4, फिर से -4 और -1 ये हो जाएगा आपका -5, -5 और 1 मिलकर के हो जाएगा -4, +2 और +2 मिलकर के ये वैल्यू हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू में 1/2 डिवाइड कर लीजिए, इनटू करना है 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम बी मान ले रहे हैं, एस फॉर सिमेट्रिक, एम फॉर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी हम मान ले रहे हैं। तो जो हमें ए प्लस ए डैश मिला ये वाला, उसमें 1/2 बाहर रखते हुए ही काम करें तो ठीक रहेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे सेम टू सेम ये वैल्यू को नोट करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू मिला हमें 6 1 -5, ये वैल्यू मिला 1 -4 -4 -5 -4 और यहाँ पर ये हो गया 4। तो ये गिवन मैट्रिक्स ए का ये 1/2 ए प्लस ए डैश जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब गिवन मैट्रिक्स ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम ये ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ए वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 - 3 हो गया 0, ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 2 ये हो गया आपका 5, -1 और साइन चेंज कर लीजिए, -5 को 4 का 4 हो जाएगा, 4 - 1 एक तरह से ये हो जाएगा 3, फिर से -2 और यहाँ पर साइन चेंज हो गया -3, तो हो जाएगा यहाँ पर -5। आगे बढ़ते हैं, -2 और यहाँ पर साइन चेंज होकर के +2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिला 0, 1 यहाँ पर साइन चेंज होकर के मिल जाएगा 5, तो 5 + 1 ये वैल्यू मिल जाएगा 6, -4 और ये साइन चेंज होकर के +1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -3, -5 साइन चेंज होकर के यहाँ पर -1 हो जाएगा, -5 - 1 ये हो जाएगा आपका -6, और फिर से एट लास्ट 2 और माइनस साइन चेंज करके -2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पर इतना तो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए के लिए 1/2 का
इसी में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 1/2 यहीं पर डायरेक्ट यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू सब कुछ मिल रहा है, चेक करके मिला लीजिए 3 - 5 और 0, ये 6 है, और यहाँ पर -3 - 6 0, इसको हम नोट कर लें। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, माइनस ये 5 है, ये 0, और यहाँ पर ये 6 है, इस जगह पर -3 - 6 और 0। यह सी हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है फिर से क्लियर कर लो, गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है 1/2 a-a'। ठीक, उसी को हम सी लेट करके लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब फाइंड आउट हम कर चुके हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिला, ये बी में 1/2 बाहर कर दिए हैं सिंपल करने के लिए, और सी को भी 1/2 बाहर करके और जैसा दिखाई दे रहा है वैसा लिख दिए हैं। और हम क्या करेंगे, दोनों में से 1/2 को कॉमन कर लेंगे। ये चेक करिए, ये 1/2 और ये 1/2 दोनों में से कॉमन कर लिए, कॉमन करके हम प्लस कर लेंगे, दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे। कैसे, 6 + 0 ये हो गया आपका 6, ये 1 + 5 हो जाएगा यहाँ पर 6, -5 + 3 हो जाएगा -2, 1 - 5 हो जाएगा यहाँ पर -4, -4 और +0 हो जाएगा -4, -4 + 6 -5 और -3 ये आपका हो गया यहाँ पर -8। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, -4 और -6 ये हो गया -10, यहाँ पर देखिए 4 + 0 ये हो गया यहाँ पर 4। अब इस 1/2 के लिए 6 ये वैल्यू जो दिखाई दे रहा है एलिमेंट्स के फॉर्म में, उसमें सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये वाले 2 से, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होना वो प्राप्त होगा। देखिए 6/2 ये 3, 6/2 फिर से 3 मिलेगा, -2/2 ये -1, -4/2 -2, -4/2 -2, 2/2 ये 1, -8/2 -4, -10/2 -5, 4/2 = 2। अब जरा यहाँ पर कुछ रणनीति तय करना है, जहाँ से चले थे वहीं पर हम बार बार पहुँच जा रहे हैं। कहने का मतलब, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब जोड़ दिए तो हमें इनिशियल स्टेज के मैट्रिक्स ए हमें फाइंड हो जाना चाहिए। जरा चेक कर लीजिए, 3 - 3 - 1 देख लीजिए, 3 - 3 - 1 दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद -2 - -2 - 1 दिखाई दे रहा है, -2 - -2 - 1 और एट लास्ट -4 - -5 - 2 -4 - -5 - 2। कहने का मतलब, जो गिवन मैट्रिक्स ए था बी प्लस सी को जोड़ने पर, वही मैट्रिक्स हमें ए फाइंड आउट हो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स ए के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम कर दिए या जोड़ दिए तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो गया। अब आप देखना है, देखिए आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में ये 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ए गिवन है, तो काम तो हमें वही करना है। क्या करना है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a+a' फाइंड आउट करना है, जिसको हम बी कहेंगे, और सेकेंडली वी हैव टू फाइंड 1/2 a-a' विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई सी। इतनी तो बात समझ में आ गई, और एट लास्ट हम बी और सी को जोड़ देंगे और हमें गिवन मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि गिवन मैट्रिक्स ए के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा वह गिवन मैट्रिक्स ए होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको हमने समझा दिए हैं, ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज, ए पार्ट में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी पार्ट में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी पार्ट में है जीरो मैट्रिक्स और डी पार्ट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा पार्ट सही होगा इसको हमें चूज करना है। चूज करने के लिए पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस स्टेज को जानने से पहले यह चीज़ पता कर लीजिए कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम लेट कर लें कोई मैट्रिक्स ए और कोई मैट्रिक्स बी
स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए डैश इक्वल टू ए या बी डैश इक्वल टू बी, तो ये हम लेट कर लिए हैं, ठीक है। तो ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी को हमें इस कंडीशन में यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है ध्यान से देखिएगा। गिवन सोल्यूशन इज ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, उसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करने पर अगर सेम वैल्यू मिल जाए, यानी कि अगर हमें ए बी माइनस बी ए मिल जाता है तो हम कहेंगे कि बी पार्ट सही होगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। यदि ए बी माइनस बी ए का डैश सॉल्व करें और माइनस साइन मिल जाए यही वाला वैल्यू, तो हम कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। चलिए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ए बी माइनस बी ए का होल डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी हम पहले बता चुके हैं कि इस नेगेटिव साइन के या पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ट्रांसपोज जैसा है उसी में डायरेक्ट पहुँच जाता है। तो ये चीज़ ए बी सीधे सीधे ट्रांसपोज हो गया और बी ए में भी सीधे सीधे ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम आपको बताए थे इंटू के केस में क्या बताए थे, ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आपको पता है ना। तो बी डैश को बी टी भी कह सकते हैं, ए डैश को ए टी भी कह सकते हैं, यह दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलिए तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस ए का इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये नेगेटिव साइन सामने दिखाई दे रहा। बी इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन वाले मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है, इस कंडीशन के बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है बी टी इक्वल टू बी लिख सकते हैं और ए टी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, तो बी टी इक्वल टू बी और ए टी इक्वल टू ए टी इक्वल टू ए और बी टी इक्वल टू बी लिख दिया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जस्ट साइन माइनस कॉमन कर लें तो हमें इनिशियल स्टेज पर वैल्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि ए बी माइनस बी ए का निगेटिव साइन के साथ वह रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है बी टी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स पी हो उसका ट्रांसपोज कीजिए और माइनस पी मिल जाए तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स एक्स मान लें उसका ट्रांसपोज कीजिए और फिर से एक्स मिल जाए तो वह हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर निगेटिव कॉमन हो गया ना, ये निगेटिव, तो निगेटिव साइन शो कर रहा है कि यह कौन सा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो इसीलिए तो हमने लिख दिया इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इम्प्लाइज दैट पार्ट ए इज करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये भी गिवन है, ठीक है ना। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, फर्स्ट पार्ट में ए में ये सही वैल्यू होगा कि बी में ये वैल्यू सही होगा कि सी में ये वैल्यू सही होगा कि डी में ये वैल्यू सही होगा, तो ए मैट्रिक्स गिवन है और इसका कंडीशन गिवन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो इसको हम सॉल्व करके पहले पता करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट सही है। इसके लिए ए इक्वल टू ये गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देख लीजिए लिख दिया। ए डैश फिर से गिवन है तो इसी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख देना है, तो आर वन का सी वन में और ये आर टू का सी टू में वैल्यू लिख दिया, और इक्वल टू करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आई टू के फॉर्म में हमें लिखना है, तो 1001 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे देखिए, अगर हम इसको जोड़ें तो ध्यान से देखना है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो मिल गया, होना चाहिए, सही है। दूसरी बात ये देखिए, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अगर जोड़ोगे तो फिर से जीरो मिल गया, यहाँ तक तो सही है। अब दो एलिमेंट मिल गया, बच गया क्या क्या, दो एलिमेंट बच गया, ये देख लीजिए कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, यानी कि टू कॉस अल्फा इक्वल टू ये वन, और यहाँ पर भी चेक करिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये प्लस की बात हम कर रहे हैं,
कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू ये वन की हम बात कर रहे हैं, तो टू कॉस अल्फा इक्वल टू वन इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू कॉस में 60 होता है, तो अल्फा इक्वल टू हमें मिल गया 60 या पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री हमें बी पार्ट में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं बी पार्ट इज राइट आंसर। यहाँ पर मैंने आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।